नमस्कार दोस्तों, वेलकम, आपका स्वागत है पाइथन 3 ट्यूटोरियल जो कि मैं हिंदी में करूंगा। तो हम देखते हैं पाइथन इंस्टॉल कैसे होता है। आप अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन कर ले और गूगल में सर्च करें पाइथन। जो पहला लिंक आएगा वो आएगा python.org, जो कि ऑफिशियल लिंक है पाइथन का। उसे ओपन करें, डाउनलोड सेक्शन में जाए और जो आपको ऊपर दिख रहा है पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.8.0, ये लेटेस्ट वर्जन। और नीचे स्क्रॉल करूँगा, नीचे फाइल सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे विंडोज़ 64-bit एग्जीक्यूटिवल इंस्टॉलर, इसे डाउनलोड करूँगा। और ये पाइथन एग्जीक्यूटिवल फाइल डाउनलोड हो चुका है, इसको रन करूँगा और ये ऑप्शन आपके पास आएगा। इसमें दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि आप जो ये नीचे आप देख रहे हैं एड पाइथन 3.7 टू पाथ, इसे ज़रूर टिक कर लें, क्योंकि इसे टिक करेंगे तो आप जब भी कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे पाइथन को तो आपको पाइथन की डायरेक्टरी तक जाके उसे रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं से भी CD प्रॉम्प्ट, कहीं से भी आप पाइथन टाइप करेंगे और पाइथन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और अब ये पाइथन इंस्टॉल होने लग गया है। बड़ा आसान है पाइथन इंस्टॉल करना, कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें। और इन केस अगर कोई इश्यूज़ आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सभी के रिप्लाईज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट 2 से 3 महीने के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप करना है, तो उम्मीद करूँगा कि आप हर एक स्टेप को फॉलो करें और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपके सजेशंस भी ज़रूर लिखें, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है या आपको कोई टॉपिक मैं समझाने में कामयाब नहीं हो रहा हूँ तो ज़रूर लिखें उसको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये पाइथन 3 इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप वो सक्सेसफुल, तो इसे आप क्लोज़ कर दें और पाइथन आप देखेंगे पाइथन 3.7 इंस्टॉल हो चुका है। अब पाइथन के साथ आप स्क्रॉल करेंगे पाइथन 3.7 और आप देखेंगे इसमें आपको पाइथन आइडल आपको दिखेगा। हम इनिशियली आइडल पे ही पूरे लेसन चलाएंगे और जब हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी आईडी की, जैसे कि आपने सुना होगा पाईचार्म वगैरह आईडी है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन इनिशियली हम आइडल यूज़ करेंगे। तो आइडल आप रन कर लें और यहाँ आपको बता रहे हैं पाइथन 3.7.4 जो कि इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे कि पहलवान अखाड़े में जाने से पहले मिट्टी को प्रणाम करते हैं, तो हम भी पाइथन के अखाड़े में जाने से पहले वही करेंगे जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो ये बड़ा आसान है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने भी आसान तरीके से समझा सकूं। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को फॉलो करें, हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। वीडियो में मैं सॉल्यूशंस भी दे दूँगा, लेकिन उसे पॉज कर ले, बिना अटेम्प्ट किए आप सॉल्यूशंस को कभी ना देखें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और आशा करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है पाइथन के साथ, जो अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको भी मिल जाएंगे कि आप पाइथन से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाइथन
से नहीं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, बहुतों को मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं, लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, बहुत अच्छे से करें। और पाइथन एक ऐसा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि गूगल, याहू, रेडिट और यहाँ तक कि नासा में भी पाइथन यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ पहले लेसन के साथ, और तब तक आप सब पाइथन इंस्टॉल करके रेडी रहें, और होपफुली कल तक मैं लेसन आपको पहला लेसन ले आऊँगा। और आप सबको बहुत बहुत गुड विशेस और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।